Hey guys, welcome back to the another blog. तो यार इस बार का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि देहरादून की गर्ल्स क्रिकेट टीम आ रही है हमारे ग्राउंड में मैच खेलने। पिछली बार जब वो टीम आई थी तो उन्होंने हमें 3-2 से हराया था। 5 मैचों की सीरीज थी, 3-2 से हराया था और इस बार भी 5 मैचों की सीरीज है तो देखते हैं क्या करती है इस बार हमारी टीम। तो चलते हैं अभी ग्राउंड की तरफ, वहाँ भी थोड़ा साफ सफाई करनी है, विकेट वगैरह बनाने हैं और उसके बाद फिर मिलाते हैं आपको अपनी टीम से। तो भाई हमारे साथ हैं ग्राउंड के ओनर पंकज भैया और ग्राउंड के कोच दीपू भैया। ये लड़कियों की कोच हैं छाया दी, आतंकवादी बन रखी है इस टाइम पे। भैया कल देहरादून की टीम आ रही, फिर क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे, कैसा मैच होगा? मैच तो पहले से ही अच्छे होते हैं हमारे ग्राउंड पे, जिसमें की छाया जी साथ है। और ये रही मेरठ गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी की कोच छाया जी, जो अभी ग्राउंड की सफाई कर रही है। भाई क्रिकेट के लिए इनका तो अलग ही लेवल का जुनून है एकदम। मेरठ की जो क्रिकेट की टीम है गर्ल्स की, वो मेहनत करने लगी है ग्राउंड पे। तो भाई अभी हमारे साथ हैं टीकम सिंह क्रिकेट एकेडमी के ओनर पंकज भैया हमारे साथ हैं। पंकज भैया यहाँ पे, इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हम लोगों ने साथ में क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेला है और अभी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो सब यही करते हैं। बाकी यहाँ पे बुकिंग के मैच भी होते हैं, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हो तो पंकज भैया से संपर्क कर सकते हो। भैया बुकिंग का चार्ज क्या है यहाँ पे? सैटरडे संडे 3,000 है, मंडे 2,500 है, मतलब वीकेंड में 3,000 है और मंडे को 2,500, बाकी डे फिर अकेडमी के बच्चे खेलते हैं। मेरे ब्लॉग के बारे में क्या कह रहे हो आप? बहुत अच्छे बनाते हो आप, ऐसी तरक्की करते रहो। और थैंक यू भैया। तो आज है रेनबो क्रिकेट एकेडमी देहरादून वर्सेस छाया कराना वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी मेरठ के बीच मैच। ये 5 मैचों की सीरीज है और उसका आज पहला मैच है जिसमें मैं कर रहा हूँ अंपायरिंग। मेरे साथ एक और अंपायर है कमल, आपको उसमें मिलाऊंगा आपको थोड़ी देर में वीडियो में, आप पहले भी देख चुके हो उसे। और तो हम कर रहे हैं अंपायरिंग और आपको थोड़ा सा आज क्लोजर व्यू मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा क्लोज से आप मैच देख सकते हो। कमल और मैं कर रहे हैं अंपायरिंग, कमल भूमिका निभा रहा है अनिल चौधरी का और मैं हूं नितिन मेनन। तो भाई अभी मेरठ की टीम ने बनाए हैं 45 ओवर में 200 कितने बनाए हैं 45 ओवर में 238 रन, 238 रन, 239 का टारगेट है जिसे देहरादून चेज करने आएगी। अनिल सर कैसे हो?
बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ अभी मैं इस टाइम। क्यों, हल्के हो गया है? नहीं आज धूप ज़्यादा नहीं लग रही है। अच्छा धूप ज़्यादा नहीं लग रही है। आज मैंने हेड पहन रखा है। सर क्या लगता है कौन जीतेगा? जो टीम ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगी अच्छा वही जीतेगी ऑब्वियसली। अनिल सर गर्मी कितनी लग रही? बहुत गर्मी, बहुत जस्ट ऐसे पेशेंस रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मतलब बहुत तगड़ी धूप लगी और इस धूप में लड़कियां खेल रही हैं। मैंने ये पॉलिएस्टर वाला टी शर्ट पहन रखा है तो उसमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। बोल बोल, मज़ा आ रहा है गेम देखने में। नहीं नहीं तो क्या कर रहा था इससे पहले? गेम चल रहा है। भूख लगी कह रहा है? नहीं मुझे भूख पड़नी है। अच्छा भाई मैच हो गया इंटरेस्टिंग। 54 में चाहिए 61 रन देहरादून को जीतने के लिए। देहरादून की कैप्टन है जिज्ञासा तोमर और वो सिंगल हैंडली मैच को निकाल रही है। और अगर मेरठ को यहाँ पे जीतने हैं तो मेरठ को जल्दी से जल्दी उनका विकेट लेना होगा। तो भाई देहरादून की कैप्टन जस्ट अभी आउट हुई है जिज्ञासा तोमर एक अच्छी इनिंग खेल के, और अभी इनको चाहिए 35 बॉल में 41 रन, 33 में 41 चाहिए। तो अभी इनके जो बैट्समैन हैं क्या वो निकाल पाएंगे मैच या नहीं देखते हैं। जिज्ञासा आपका पहला मैच था और बैटिंग अच्छी की आपने और बॉल भी ठीक डाला, पर आपका जो आउट होना था आपको लगता है कि हाँ आप अकेले मैच जिता सकती थी उस टाइम? उस टाइम मेरे को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं स्टे करा तो मैं पूरा अपना टीम को जिता दूंगी, बट वहाँ पे मेरा आउट होना नहीं बनता था। इतना देर तक खेला, इतना क्लोज लाया, तो वहाँ पे चाहिए था कि मैं लास्ट तक खत्म करूँ, तो उसका थोड़ा ध्यान रहेगा मेरे को अगली बार से। जिज्ञासा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं रेनबो चिल्ड्रंस क्रिकेट एकेडमी का कि वो दोबारा से हमारे क्लब में आए। अच्छा लगता है आप हमारे क्लब में आते हो और रेगुलर खेलते हो। मैं देहरादून टीम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो दोबारा यहाँ पे आए, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को एक अच्छी सीरीज खेलने को भी मिली। तो और भी कई सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, आपकी टीम बहुत कैपेबल है, आशा करते हैं कि टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छे मैच के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सामने वाली टीम को मैच एक्सपीरियंस हो, और आपकी टीम को मैच एक्सपीरियंस है, आपकी टीम को वो लड़ना आता है। वैसे ये ट्रेंड है आपके घर में, हम जीतते हैं, हमारे घर में आप जीतते हैं, तो ये अब आपका घर है, आप सोचो क्या होने वाला है। तो अभी हमारे सामने हैं हमारे कोच, हमें भी इन्होंने सिखाया है, और टीकम सिंह क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं दीपू भैया। जब भी हमारे ग्राउंड पे
दूसरी बार ये सीरीज हुई है देहरादून क्रिकेट क्लब से हमारी, एक अलग ही फील आता है। और दूसरा, छोटे जो बच्चे इस टीमों में पार्टिसिपेट करके खेल रहे हैं, उन बीचों में सीनियर्स प्लेयर्स, बोर्ड ट्रॉफी प्लेयर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके साथ में खेल के उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये सबसे बेटर लगता है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं छाया जी को बोलना चाहूँगा कि वो हमारे ग्राउंड पर आकर इस तरह के मैचेस वगैरह कराती हैं और बच्चों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाती, बहुत अच्छा लगता। तो भाई ये था क्रिकेट का हमारा एक प्यारा सा ब्लॉग, जहां मेरठ की टीम ने देहरादून को 11 रनों से हराया। काफी अच्छा मैच था, काफी फाइटिंग वाला मैच था और आखिरी ओवर तक मैच गया था। सबसे बड़ी बात यह है दोनों ही टीमों ने काफी अच्छी टक्कर दी एक दूसरे को। देहरादून की टीम भी फाइट करना जानती है और पिछली बार वो यहां से सीरीज जीत के गए थे, मतलब देहरादून यहां से सीरीज जीत के गए थे और हमारी टीम देहरादून में जाके सीरीज जीती थी। तो काफी टक्कर के मैच होने बाकी है अभी, काफी पैक टीमें हैं, काफी अच्छी टीमें हैं दोनों। तो उम्मीद करेंगे और भी मैच अच्छे हों और भी रोमांचक मैच हों। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हो और क्रिकेट देखना खेलना पसंद है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।